गाइस जब भी आप लोग रैंक मैच या क्लैश स्क्वाड गेम या कस्टम मैच खेलते हो और गाइस उस वक्त आप लोग का फोन बहुत ही ज्यादा लैग करने लगता है या फिर गाइस आप लोग का ऑटो बैक हो जाता है यानी आप लोग का गेम कट हो जाता है, आप होम स्क्रीन पर आ जाते हो। अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम होता है तो गाइस आप इस वीडियो को देखो, आपका 100% से और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका लैग हो जाएगा और आपका फोन हैंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आप गाइस आप लोग का जो ऑटो बैक प्रॉब्लम थी तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो पे। और गाइस ये प्रॉब्लम्स हैं जो ज़्यादातर लो एंड डिवाइस पर होता है, मतलब कि 1 से लेकर 4 GB RAM तक के डिवाइस पर। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देख लो, आपका प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे फ्री फायर लैग हैंग या ऑटो बैक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है और आपको कैसे अपने डिवाइस पर स्मूथली तरीके से फ्री फायर गेम को चलाना है, चाहे आपका 1 GB 2 GB या 4 GB RAM का डिवाइस हो। चलिए तो गाइस मैं बता देता हूँ आपको। सिंपली से गाइस आपको GFX टूल को डाउनलोड कर लेना है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूँ GFX टूल यूज करने से आपकी ID बैन नहीं होगी, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे इसे यूज करना है एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, तो गाइस आपको सिंपली ओपन कर लेना है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और गाइस फिर आपको यहाँ पास दिखाई देगा और ट्रायल लिमिटेड वर्जन, तो गाइस आपको सिंपली लास्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर परमिशन अलाउ कर देना, परमिशन अलाउ करने के बाद गाइस आपको यहाँ पास देखना है, आपके सामने कुछ सेटिंग्स दिखाई देंगी। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या सेटिंग रखने हैं अपने डिवाइस पर। तो गाइस अगर आप लोग का 1 GB 2 GB RAM का डिवाइस है तो गाइस यहाँ पास आपको दिखाई देगा 720 pixel, तो गाइस इसको आपको सेट कर देना है। और आपको यहाँ पास दिखाई देगा स्टाइल, तो आपको यहाँ से क्लासिक रहने देना। उसके बाद नीचे आना आपको दिखाई देगा ग्राफिक्स, तो गाइस ग्राफिक्स पर आपको यहाँ दिखाई देगा सो स्मूथ, तो आप सो स्मूथ पर कर देना अगर आपका 1 GB और 2 GB RAM का डिवाइस है। फिर गाइस आपको यहाँ पास दिखाई देगा FPS, तो यहाँ से 30 कर देना। उसके बाद आपको शैडो है इसे यहाँ पास डिसेबल कर देना। उसके बाद यहाँ पास दिखाई देगा ग्राफिक्स API, तो यहाँ पास जाके आप यहाँ पास सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना रिकमांडेड पर। ठीक है, चलिए तो गाइस अब मैं बता देता हूँ अगर आप लोग का 3 GB या 4 GB RAM का डिवाइस है तो आपको रेवोल्यूशन पर 720 ही रहने देना। ठीक है, और गाइस यहाँ पास ग्राफिक्स है, आपको ग्राफिक्स पर जाना, आपको यहाँ पास कर लेना है यहाँ से स्मूथ या तो फिर आप स्मूथ HD कर लेना। ठीक, और बाकी जो सेटिंग्स है आपको सेम रखनी है। उसके बाद आपको दिखाई देगा रिमेंबर माई सेटिंग, इस पर टिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा अप्रूव का ऑप्शन, तो सिंपली अप्रूव पर क्लिक कर देना। तो गाइस ये आपकी सेटिंग है, आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, और गाइस ये सब होने के बाद आपको इस ओपन गेम दिखाई देगा, सिंपली आपको गेम ओपन कर लेना है। और गाइस एक बार इससे गेम खेलने के बाद आप इसको सिंपली डिलीट कर देना, जिससे आपकी ID बैन भी नहीं होगी और गाइस आपको इसका फ्री फायर जो लैग प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं, इससे आपका जो फ्री फायर ID है वो बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं होगा, अभी तक तो नहीं हुआ मेरा। ठीक है, कभी कभी मैं इसका यूज कर लेता हूँ जब मेरा फोन बहुत ही ज्यादा लैग करता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को भी ये चीज बताई जाए। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ऐसी बात नहीं है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत तू भी सही है, ये रैपिंग वैपिंग लसन मेरे लिए नहीं है, पर चल रहा तो चलने देना, एक सुखी सही है। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।